हमारी जिंदगी घड़ी की सुई की रफ्तार से भाग रही है और इस स्ट्रेस लाइफस्टाइल में मन की शांति जरूरी है, जिसके लिए लोग योगा का सहारा ले रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग योगा को अपना रहे हैं, उतनी नई शैलियाँ देखने और करने को मिल रही हैं। योगा को उसके ट्रेडिशनल फॉर्म में कई गुरुओं ने अपनाया और अलग अलग क्रियाओं में महारती हासिल कर उसको अपने नाम से प्रचलित किया। वहीं फिटनेस एक्सपर्ट्स ने भी योगा को अपनाया और नई शैलियों को विकसित कर नए अंदाज में पेश किया। योगा जीवन जीने का वो तरीका है जो 5000 साल से देश के ऋषियों और मुनियों ही नहीं, आम लोगों के जीवन से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि योगा सिर्फ कोई व्यायाम या आसन ही नहीं, बल्कि ये आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली भी उठाता है और एक बेहतर इंसान बनाता है। योगा की कई शैलियां और पद्धतियां हैं। सबसे पहले हठ योग। ये योगा का बेसिक तरीका है जिसमें धीरे धीरे हर आसन को सिर्फ कुछ सांसों तक रोक कर किया जाता है। हा का मतलब है सूर्य और ठा का मतलब है चंद्रमा। इसमें योगा के पोस्चर्स पर ध्यान दिया जाता है और बैलेंस करना सिखाया जाता है। ये किसी भी योगा की शुरुआत है। यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्म्स आ चुके हैं, जैसे अब दूसरे हमारे जैसे स्टूडियो में योगा 101 में हाथ है, आयंगर है, कुंडलिनी है, विन्यासा है। इनसे ये सब नाम है, इनसे आप डरो मत या इनसे आप कंफ्यूज ना होइए। हाथ इज योर प्रमाइसिस, सो एनी फॉर्म ऑफ योगा दैट यू हियर, इट्स ऑल जनरेटेड फ्रॉम योर हाथ योगा। हाथ इज बेसिकली ह इज अ सन एनर्जी विद इन अस, द मैस्कुलिन एनर्जी, एंड रा हाथ इज अ फेमिनिन एनर्जी, दैट इज अ मून एनर्जी। इट्स कॉम्बिनेशन, इट कंबाइंस एंड बैलेंसेज द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ अ बॉडी। अगर आप कुछ चुनौतीपूर्ण और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो एक बंधे हुए अंदाज में सिखाया जाए, तो आपके लिए है अष्टांग योगा। इसमें कुल 6 आसनों का सेट है। एक ही तरह के इन आसनों को एक ही ऑर्डर में बार बार किया जाता है, जिससे अंदरूनी हीट बढ़ती है। विन्यासा योग की एक ऐसी शैली जो बेहद गतिशील है। इसमें क्रिया करने के साथ साथ सांस को भी एक रिदम में करना सिखाया जाता है। इसमें एक के बाद एक आसन काफी जल्दी जल्दी लय और ताल पर बदला जाता है। इसे म्यूजिक के साथ ही किया जाता है। गति तेज होने की वजह से इस शैली में हार्ट रेट काफी बढ़ जाता है। When hatha is like I'm keeping my hands over here for 1 minute, so that's my hatha yoga. But when I do movements, that's dynamic, so that becomes your ashtang vinyasa, or that becomes your any other form of power yoga you call it, or anything else. Kundalini yoga को yoga का एक मुश्किल form माना जाता है। इसमें आपकी कुंडलियों को जागरूक किया जाता है। कुंडलीन योगा चक्रों को खोलने का काम करता है ताकि आप एक शुद्ध जीवन जी सके। ये एक तरह से आपको डिटॉक्स करता है, कि दिमागी तौर पर काफी चुनौतीपूर्ण है। इसमें क्रियाओं के साथ साथ सांस लेने और छोड़ने पर ज्यादा जोर दिया जाता है और मंत्र उच्चारण भी किया जाता है।
हैंगर योगा। ऐसी योगा शैली है जिसमें हर आसन में शरीर का बैलेंस एक रेखा में होना चाहिए। ब्लॉक्स, ब्लैंकेट, रस्सियाँ, ये सब इस योगा में आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और इसमें हर आसन को कुछ खास समय तक होल्ड किया जाता है। इस तरह की शैली को करने से पहले इसकी एक ट्रायल क्लास लें और जान लें कि क्या आप इसे कर पाएंगे या नहीं। हालांकि ये योगा इंजरीज के लिए अच्छा है, लेकिन इसे करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। Because the physical transformation is there. You will sit differently, you will stand differently, you may walk differently. Your strength improves, your flexibility improves. So those are all physical benefits, so to say. Then because you are physically transformed, you also get mentally transformed. You deal with things differently. If you are able to do the headstand and if you can look at the world upside down, I think you can deal with the world also sometimes when it's upside down. शो के अगले हिस्से में जानेंगे योगा की सबसे पॉपुलर शैली की खूबियां। योगा अलग अलग तरह का तो जरूर है, मगर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं और इसीलिए योगा देश भर में काफी पॉपुलर हो गया है। आजकल योगा का सबसे पॉपुलर फॉर्म है पावर योगा। क्या है पावर योगा और किस तरह घटा सकते हैं आप इस योगा से अपना वजन? आजकल सबसे पॉपुलर योगा का फॉर्म है पावर योगा। जिम जाना पसंद नहीं या पारंपरिक योगा बोरिंग लगता है तो योगा का ये फिटनेस फॉर्म आपके लिए है। पावर योगा विन्यास और अष्टांग योगा के साथ साथ बेसिक स्ट्रेच एक्सरसाइज का एक ऐसा मिक्स है जो आपके फिटनेस लेवल को बढ़ाने का काम करता है। पावर योगा से आपके शरीर में एनर्जी आती है, स्फूर्ति आती है दिन भर का काम करने की। पावर योगा एक एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ योगा है। बेस ऑफ कोर्स पूरा योगा पे ही है, सो सारे पोस्चर्स योगा के यूज होते हैं, लेकिन उसमें काफी कुछ फिटनेस के एलिमेंट्स मिक्स्ड हैं, जैसे स्क्वाट्स, लंजेस, ब्रिजेस, शोल्डर ब्रिजेस, इन सब पे काफी हम लोग इम्पोर्टेंस ले करते हैं। तो योगा के पोस्चर्स के बीच में ये सारी फिटनेस के जो एक्सरसाइजेज हैं इनको ब्लेंड कर देते हैं और एक विनायसा फ्लो बना देते हैं, दैट इज पावर योगा। लेकिन पावर योगा की क्लास घुटने और पीठ के दर्द, सर्वाइकल और वर्टिगो की तकलीफ वाले लोगों को काफी ध्यान से करनी होती है। अगर आपके कोई इंजरीज हैं या आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, बैक प्रॉब्लम्स हैं या नी इश्यूज हैं, तो आप अपने ट्रेनर को डे वन पे बता दीजिए, सो दैट ट्रेनर आपके लिए जितने भी पोस्चर्स हैं या एक्सरसाइजेस हैं वो मॉडिफाई कर दें, सो दैट वी डोंट एग्रीवेट एनी प्रॉब्लम्स। या ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है और आप इतना फास्ट पेस नहीं कर सकते तो आपका ट्रेनर उसको मॉडिफाई कर देगा। वो एक्चुअली हर एक्सरसाइज फॉर्म के लिए, अगर कोई इश्यूज हैं और ट्रेनर को पता है कि उसको कैसे मॉडिफाई करना है, इवन इफ यू आर प्रेग्नेंट, वो मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट इस योगा को अपने वेट लॉस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनाते हैं, क्योंकि लचीलापन और ताकत बढ़ाने के साथ साथ इस योगा से वजन भी घटता है। एक से डेढ़ घंटे की पावर योगा क्लास में कई बार प्रॉप्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। एक ही आसन को स्पीड में करना और उसमें कई सारे वेरिएशन जोड़ना इसकी खासियत है। योगा इन इटसेल्फ एक्चुअली वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग सोचते हैं योगा के पोस्चर्स बहुत स्लो होते हैं और इतना पसीना नहीं आता जैसे कि ट्रेडमिल पे भागे, उससे ज्यादा आता है। लेकिन अंदर से जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं या जो थेरेपेटिक यूजेस हैं योगा के, वो योगा जैसा कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो वेट लॉस के लिए पोस्चर्स हैं प्लस एक्सरसाइजेस हैं, दोनों जब मिल जाते हैं तो पावर योगा से वेट लॉस काफी अच्छा होता है। हॉट योगा, योगा की वो शैली जिसे ज्यादा तापमान में किया जाता है और जाहिर है
ये करना है तो पसीना छुड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। हॉट योगा को 150 डिग्री और 40% नमी वाले कमरे में किया जाता है। ये शैली बिक्रम योगा के नाम से भी जानी जाती है। 90 मिनट के लिए 26 योगा के पोज और 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बार बार की जाती है। ये योगा करने वालों को बीच बीच में रुक कर खुद को हाइड्रेट जरूर करना चाहिए। योगा को एक नया जीवन दिया देश के कुछ खास फिटनेस एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने इस सालों पुरानी कला को ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा असरदार बनाया। आप योगा की कला से प्यार करते हैं तो आर्टिस्टिक योगा ट्राई करें। योगा की इस शैली में स्टिक, डंबल जैसे प्रॉप्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। इस फॉर्म में आपके शरीर के तालमेल, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, एजिलिटी पर भी ध्यान दिया जाता है। इस योगा शैली की शुरुआत भरत ठाकुर ने 1999 में की थी। योगा की इस दिलचस्प शैली को कोई भी कर सकता है और इसमें खाने पीने का भी कोई रोक नहीं है। आर्टिस्टिक योगा, मॉडर्न योगा और ट्रेडिशनल योगा का कॉम्बिनेशन है। इसमें लॉट ऑफ प्रॉप्स यूज करते हैं। ये सब ऑल द काइंड ऑफ वेमेन कैन डू इट, फैट, थिन, टॉल, देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, कोर स्ट्रेंथनिंग, बैक स्टेबिलिटी, वाइटलिटी एंड डेफिनेटली हेल्प्स यू इन बेटर लिविंग। योगा में आपके शरीर के साथ साथ चेहरे पर भी ध्यान दिया जाता है। चेहरे को रिंकल फ्री और यंग रखने में फेशियल योगा आपकी मदद करता है। इस योगा शैली में आपके चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिससे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और चेहरे की झुर्रियां कम होती हैं। फेशियल योगा से आपके चेहरे का फैट भी कम हो सकता है। हनुमान पोज, फिश पोज के जरिए अपने गाल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही AEU जैसे शब्दों को बोलकर आपके चेहरे की बाकी मांसपेशियों में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। दे से दैट अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स पंप कर सकते हैं एंड मेक इट लुक गुड, आप अपने फेस का फेस के मसल्स भी पंप कर सकते हैं एंड मेक इट लुक यंगर, योर रिंकल्स डिसअपीयर व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ आसन्स ऑन द फेस। There are lot of facial yoga exercises like fish pose, the Hanuman pose, the a lot of you know saying of vowels, the nose therapy, the patting of the face. So all these help you to look younger. अगर आप योगा सिर्फ मन की शांति के लिए ही करना चाहते हैं तो आपके लिए है यिन योगा। मांसपेशियों की मजबूती और बैलेंस के लिए यह योगा काफी फायदेमंद है। शुरुआत में यिन योगा करने में बेचैनी हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपके शरीर में अच्छी एनर्जी महसूस करेंगे। मेडिटेशन की ही तरह आसन करते समय ध्यान लगाएं और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच ना करें। ये योगा खास ध्यान लगाने और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए है। मन की शांति से लेकर फ्लेक्सिबिलिटी तक, आपके शरीर के बैलेंस से लेकर हाई बीट व्यायाम तक, आपकी जरूरत के हिसाब से योगा का एक फॉर्म आपके लिए मौजूद है। वो इसलिए भी क्योंकि 20 साल और 70 साल के व्यक्ति से लेकर फ्लेक्सिबल या मैस्कुलिन व्यक्ति तक एक जैसा योगा नहीं हो सकता। इसलिए अपने जरूरत और शरीर के हिसाब से योगा चुनें,
क्योंकि योगा आपके जीवन शैली में वो परिवर्तन ला सकता है जो आप चाहते हैं। योग भी बहुत आगे द योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हंसाजी योगेंद्र से जानेंगे योगा करते वक्त क्या करें और क्या करना सख्त मना है। योगा कितने तरह का होता है, योगा में कितने अलग अलग आसन हैं, इन सब के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन योगा के बेसिक्स को लेके अभी भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी नहीं है। खासतौर से अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो किस तरह का योगा आपको करना चाहिए या किस तरह के आसन से आपको बचना चाहिए या कौन कौन से आसन आपको नहीं करने चाहिए, किस तरह का पोस्चर होना चाहिए, ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, इन तमाम बातों को अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं या हम भूल जाते हैं। लेकिन चलिए इन्हीं तमाम बातों पर बारीकी से बात करेंगे। मेरे साथ है योगा इंस्टीट्यूट की हंसाजी योगेंद्र, स्वागत है आपका। हंसाजी, हर साल आपसे मुलाकात होती है लेकिन आज जो है हम योगा की बारीकियों पे फोकस करेंगे। हम चाहते हैं कि आप बताएं दर्शकों को कि योगा जब हम करते हैं तो दिन के किस समय करना चाहिए, क्या खाली पेट करना चाहिए, क्या भर पेट कर सकते हैं। देखिए, योग भी बहुत प्रकार के हैं और योग के आसन भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे मेडिटेटिव आसन है, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, मेडिटेशन ही करना है। फिर जैसे स्पाइन के आसन है, रीढ़ की हड्डी के आसन, वो आगे झुकने वाले, वो तो आप खाली पेट करो वही अच्छा है, या दो घंटे खाना खाने के बाद पेट में से खाना उतर जाता है ना दो घंटे में, तो उसके बाद कर सकते हैं। ऐसे आसन है जो सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ के लिए, हाथ पैर के लिए, तो वो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। ऐसा भरा पेट एकदम हो तो नहीं, अगर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम सुबह के समय योगा करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, उसका असर हम ज़्यादा देखेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। रात्रि शाम को दोपहर में कभी भी करो, उसका असर होना ही है ना। आप कुछ भी करोगे तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव होगा, हेड के ऊपर सर्कुलेशन जाना ही है, तो हर एरिया में उसका फ़ायदा होगा ही होगा, कभी भी करो। दूसरा, मैंने ये भी सुना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपने योगा कर लिया तो उसके तुरंत बाद आपको नहाना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए, आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप नहाने जाएं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा भारी हो। देखिए, योग का करने का वो एक सिस्टम होता है कि आप योग के आसन कर लिए, फिर लास्ट आसन जो होता है वो या तो शवासन होता है ना, या मेडिटेशन कर लो। तो ये करने के बाद आप इमीडिएटली नहा सकते हो, 10 मिनट 5 मिनट में आप अच्छा शवासन करोगे तो बॉडी का बैलेंस वापस हो ही जाए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। तो यहाँ मुझे ये बताइए हंसाजी कि बिगिनर्स के लिहाज से वो कौन कौन से आसन हैं जिससे वो शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे कई लोगों को जो शीर्षासन से शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो कर लिया तो मतलब योगा का एक बहुत बड़ा उन्होंने आसन सीख लिया है और इसके आगे शायद कुछ रह नहीं जाता है सीखने के लिए। तो बिगिनर्स के लिहाज से वो शुरुआत कैसे करें? बड़ी गलत धारणाएँ होती है। शीर्षासन तो एक बच्चे को करने वाले आसन है। इंसान जब बड़े होते हैं तब उन्हें धीरे धीरे बॉडी को ग्रेजुअली डेवलप करना होता है। बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, हमारी ग्रेविटी फोर्स जो है नीचे की तरफ हमें खींचती है, हम सीधे खड़े रहते हैं ना, स्पाइन एक दूसरे से चिपकी रहती है, वर्टिब्रल कॉलम, तो उनको ऊपर की तरफ खिंचाव देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम ऊपर खींचने वाले आसन जैसे तलासन है, लेट कर खींचें यष्टिकासन है, पर्वतासन है, इन आसन से शुरुआत होनी चाहिए। सबसे पहले तो आँख बंद करके शांति से बैठना आना चाहिए जिससे मन एकाग्र होने लगे, तो फिर हम आगे बात करें। मन इधर उधर भटक रहा है और आप आसन करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, तो पहले शुरुआत ये हो। उसके बाद में आती है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, तो आप आगे झुकने वाली चीज़ें कर सकते हो। तो आगे झुक रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं झुक पाते तो चक्रासन कर रहे हो, धीरे 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 एक महीने के अंदर आप अच्छी तरह कर पाओगे, तो वो करना ज़रूरी। फिर तीसरा है एक्सट्रीमिटीज़ के आसन, जो हम उठते हैं बैठते हैं ये वाली चीज़ें, तो ये भी आसन हर कोई कर सकता है। तो इसमें धीरे धीरे पहले माहिरत हो जाए, फिर हम थोड़े कठिन आसन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और जो कॉमन भी होती हैं, अगर हाइपरटेंशन की हम बात करें, दिल की बीमारी की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, इस तरह के कई सारे लोग आते होंगे जो कि योगा से ठीक होना चाहते हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर इस इन बीमारियों के लिए जो आसन करते हैं, जो योगा करते हैं, उसमें बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं और आसन गलत भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। वो कौन सी बातें हैं जो आपके मुताबिक आपको इन सब बीमारियों को क्योर करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए
चाहिए स्पेसिफिक आसन करते वक्त? अगर आप तनाव में हो और कुछ आसन करने गए तो मसल खींचेगी। अगर आपने खाया ही नहीं है या बहुत ज़्यादा खा लिया और उसके दो घंटे बाद या करने जाओगे तो शरीर में गैस भरी पड़ी है, शरीर में तनाव है और तब आप आसन करोगे तो आसन का बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिए पूरे जीवन शैली को बदलने वाली बात आ जाती है जब बीमारी की बात आती है। तो सिर्फ आसन सीखने से बात नहीं बनती। अभी जैसे हाइपरटेंशन है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि पहले तो चलो, चलना करो, वॉकिंग बहुत ज़रूरी। योग में वॉकिंग को बहुत महत्व दिया है। हमारा शरीर ही बना है इस तरह के आदमी को चलते रहना चाहिए, चरई वैति चरई वैति, चलते चलो और थोड़ा चलो 10-15 मिनट, उसके बाद में शवासन में लेटो तो हाई ब्लड प्रेशर यूँ नीचे आता है, बहुत आसान हो जाता है। और जब लेटता है व्यक्ति तब वो एक डिटैचमेंट का भाव आना चाहिए। आप लेटे और कुछ कुछ सोच रहे हो तो गलत होगा, सब छोड़ो। नक्की करना पड़ेगा कि 5 मिनट में कुछ भी सोच नहीं रही, बस इस तरह अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे जैसे कि हमने समझा कि योग न सिर्फ आसन तक ही सीमित है, ये एक जीवन शैली है और इसको आपको अपने जीवन में अपनाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए।